जय हिंद साथियों, मैं दीपक कुमार कोच बुद्धा सैनिटरी सेंटर बिहार से अपना लंबा। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला, ना कोई अपडेट था। उसका मेन रीज़न था कि कोरोना वायरस से हम लोग भी ग्रसित हो गए थे, लेकिन अभी सब रिकवर हो चुके हैं। लोगों ने बहुत गलत न्यूज़ फैला दिया था मार्केट में, रीमर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी सभी लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं था, जो भी नेगेटिव आ गया सभी लोगों का, हम लोग बिल्कुल ओके हैं। और जैसा कि हम ये कहना चाहेंगे कि चोरी छुपे लोग दौड़ा रहे हैं लड़कों को, उनके लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। सबसे पहली बात, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गांव में अकेले कीजिए या शहर में भी अकेले कीजिए, भीड़ भाड़ में भी मत कीजिए, इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। हम लोग बात करते हैं अभी उन लोगों पर जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में पास हो चुके हैं। वो लड़के हमें बार बार कॉल कर रहे थे कि आपका सेंटर सब कब खुल रहा है। तो खुलने का तो बात यह है कि जैसा कि लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, वो जैसा खुलेगा हमारा भी सेंटर खुल जाएगा। जब तक आप लोगों को सेंटर नहीं खुलता है और आप अपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, इन दोनों के लिए मेरा सजेशन है कि आप घर पे रहते हैं तो कम से कम चलना शुरू कीजिए, आधा घंटा एक घंटा चलिए, उसके बाद देखिए कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अगर आपको जितने भी वीडियो चाहिए, जिस प्रॉब्लम में, जिस समस्याएं आपको आ रही है, वो समस्या आप कमेंट में लिखिए, आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। अभी हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, हर काम के लिए आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा बात, तब तक मैं एक फ्री में सलाह देना चाहूँगा आप लोगों को कि जो लड़के फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, इन लोगों ने बहुत ही गलत धारणा पाल रखा है दिमाग में कि पहले हम दौड़ लेंगे। आप दौड़ लीजिएगा, 5 किलोमीटर दौड़ लीजिएगा, 6 किलोमीटर दौड़ लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आप पैदल नहीं चल पाएंगे। ये समस्या बहुत लोगों का आ रहा है, आरा, छपरा, बक्सर, बहुत सारे लड़के लड़कियां कॉल कर रहे हैं कि सर हम पहले दौड़ लिए, इसके बाद चल ही नहीं पाए। तो सबसे पहले नंबर एक, आपके पास जूते अच्छे होने चाहिए। नंबर दो, आप शुरुआत कम से कीजिए, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से चलना सीखिए, उसके बाद ये देखिए कि आपको कितना वक्त लग रहा है। खासकर लड़कियाँ भी पहले 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले, लड़के कम से कम 8 किलोमीटर से स्टार्ट कीजिए और एक दिन 1 किलोमीटर बढ़ाइए। जैसे आज आपने 8 किलोमीटर चला तो कल 9 किलोमीटर चलिए, फिर अगले दिन 10 किलोमीटर चलिए, 11, 12, इस तरीके से पर डे 1 किलोमीटर चलिए और अपना अपना टाइम नोट करते जाइए। आप ये देखिए धीरे धीरे आपका समस्याएँ ख़त्म होती चली जाएगी। नंबर दो इसमें आता है जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में हाइट के रिगार्डिंग, तो हाइट आपका है 165 सेंटीमीटर बॉयज़ का, जो जनरल और ओबीसी के हैं उनका ये होना चाहिए। और दूसरा चीज़ आता है 81 सीना, जो लड़के लोगों का कई धारणाएं गलत बना रखा है कि उनका सीना कम हो जाएगा अगर हम पैदल चलेंगे तो सीना कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके लिए बैलेंस डाइट लीजिए, डाइट में अच्छा खाना खाइए, जो अभी सीजनेबल फ्रूट्स है वो खाइए, दूध ज़रूर पीजिए, दूध पियेंगे तो आपका स्टेमिना बरकरार रहेगा। और चलने के आने के बाद पैरों में सरसों तेल की मालिश और गर्म पानी में नमक फिटकरी डाल के ये तलवा, ये जो आपका जो तलवा है यहाँ तक, ये हिस्सा को पानी में डाल के रखिए, कोई टब लीजिए उसमें डाल के रखिए, तभी अगले दिन आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हो पाएंगे। और रही बात चेस्ट के लिए, तो चेस्ट के लिए आपको क्या करना है, सीना इसको बढ़ाने के लिए 10-10 का ग्रुप बना करके इसको बैंड मारिए, कम से कम 100 गिनती कीजिए। इतना करने के बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।